उधम सिंह नगर के किच्छा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर गौकशी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान घर में काटे जा रहे 1.5 क्विंटल गौमांस और 2 जिंदा गाय बरामद की और 1 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस को कई दिनों से किच्छा में प्रतिबंधित मांस बिकने की शिकायत मिल रही थी। DIG महोदय द्वारा कुमाऊं परिक्षेत्र में गौ वंश संरक्षक स्क्वाड का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय बाजपुर में है। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि किच्छा में वार्ड नंबर 9 में प्रतिबंधित पशुओं का बिना स्लाटर हाउस के घरों में वध किया जा रहा है। इस सूचना पे आज विश्वास करके सुबह सुबह तड़के छापा मारा गया, जिसमें करीब 1.5 क्विंटल गौमांस और 2 जिंदा गाय बरामद की गई, जिसमें 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और 4 अभियुक्त मौके से फरार हो। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की जांच में जुट गई है। उधम सिंह नगर से यामिन मलिक, पंजाब केसरी TV। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी TV पर रोज सुबह 8 बजे।